देश का बजट देख चुके हैं हम लोग, देश की समीक्षा, आर्थिक समीक्षा भी देख चुके हैं। चलिए अब उत्तर प्रदेश का बजट भी देख लेते हैं और उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा भी देख लेते हैं, और बाकी अपने परिवार का आप भी बजट देखते रहिए रहा करिएगा, ठीक है? जितनी आपका बजट रहता है उसी तरह से खर्च किया करिएगा। अब आप जब कमाने लगे तब आप खर्च बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? तो यूपीपीसीएस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और भी जो आपके एग्जाम रहेंगे उनके लिए भी यूपीपीसीएस में कुछ ज्यादा ही पूछे जाते हैं। तो समसामयिक घटना चक्र है ना, वार्षिक अंक, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दृष्टि निकालता है। तो इसमें आप लोग राष्ट्रीय परिदृश्य भी आपका खत्म कर चुके हैं, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, विदेश परिदृश्य ये भी खत्म कर चुके हैं, आर्थिक परिदृश्य पे है हम लोग। तो आर्थिक आपकी जो बजट है 2020-21 का उसे देख चुके हैं, आर्थिक समीक्षा जो आपकी 19-20 की है उसे भी देख चुके हैं हम लोग। तो ये सभी क्लास में छोटी छोटी रखी गई हैं, इसलिए आप लोग क्या करिए कि समसामयिकी घटना चक्र वार्षिकांक के नाम से आपकी एक सूची भी ले लिस्ट सूची बना दी है, उसी में डली हुई है, ठीक है? क्रम से फिर लास्ट में क्या करेंगे कि ये मर्ज कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो अभी इन्हीं से पढ़ते रहिए। उत्तर प्रदेश बजट 2020-21, तो उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा 18 फरवरी 2020 को प्रदेश की वर्तमान सरकार का चौथा पूर्ण बजट पेश किया गया है। सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का आकार 5,12,860.72 करोड़ रुपए है, जो विगत वर्ष का बजट अनुमान कितना था? ये था 4,79,701.10 करोड़ रुपए। इसकी तुलना में 6.91% तथा संशोधित अनुमान की तुलना में 13.51% अधिक है। आप भी जानते हैं कि हमेशा पिछली बार से अगली बार बजट ज्यादा ही रखा जाएगा। अब आप भी तो जानते हैं कि इस साल आपका अगर 1 लाख रुपए खर्च हो रहा है साल में, तो अगली बार देखिए बढ़ेगा, क्योंकि बढ़ते रहते हैं। तो इसमें सीधा सा क्वेश्चन बन सकता है इतना ही कि अगर पूछे कि वित्त मंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के, सुरेश कुमार खन्ना, राजेश खन्ना, सुरेश कुमार खन्ना, तो सुरेश कुमार खन्ना याद रखना है, राजेश खन्ना नहीं। और ये 18 फरवरी 2020 को प्रदेश सरकार का चौथा पूर्ण बजट है। किस नंबर का? चौथा, इसका जो अभी नई सरकार आई हुई है। तो इसमें अगर राशि के में पूछ ले अगर कि कितना बजट पेश किया गया है, तो याद रखें 5,12,860.72 करोड़ रुपए, जो पिछली बार कितना था, ये आपका था 4,79,701.10 करोड़ रुपए। अगर पिछली की तुलना में बात करें तो 6.91% है, और संशोधित अनुमान की तुलना में अगर आपसे बात करें तो 13.51% है, ठीक है? इन पॉइंटों को याद रखना। राजस्व के लेखे के अंतर्गत व्यय की प्रमुख मदों की बात करें, मदने तो करोड़ रुपए में है, ठीक है? ये मदने हो गए, बजट अनुमान हो गया 2019-20, और बजट अनुमान 2020-21 वृद्धि की बात कर रहा है प्रतिशत में, ठीक है? ब्याज अदायगी ये आपको देखने को मिलेगा, ब्याज अदायगी इसमें 35,373.92 करोड़ रुपए में है। कितना? 35,373.92 करोड़ रुपए। और इस बार की अगर हम बात करें 2020-21 में, तो ये 38,91.26 करोड़ रुपए है। कितनी वृद्धि हुई है? 7.68 करोड़ रुपए, 7.68 प्रतिशत में, माफ करिए प्रतिशत में, ठीक है? शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पिछली बार 2000 बजट में, बजट 2019-20 में कितना था? ये था आपका 60,773.63 करोड़ रुपए। इस बार 2020-21 के लिए 63,17.94 करोड़। कितना इसमें बढ़ोतरी हुई? इसमें आप देखेंगे 3.69% की, ठीक है? स्वास्थ्य एवं तथा परिवार कल्याण मंत्रालय कल्याण में कितना हुआ? 2019-20 में रहा था 20,554.52 करोड़ रुपए, और इस बार 2021-22 में 22,376.93 करोड़ रुपए, 8.87% की वृद्धि हुई है। समाज कल्याण तथा पोषण की बात करें हम लोग, तो 2019-20 में रहा था ये आपका 21,029.71 करोड़ रुपए, 2020-21 में है आपका 22,200.49 ये आपका 49 करोड़ रुपए। कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 5.57%, ठीक है?
पर आप देखेंगे कृषि तथा समृद्ध कार्यकलाप यानी कि कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों की, तो इसमें पिछली बार 2019-20 के बजट में रहा था 10,810.90 करोड़ रुपए, अभी 2020-21 में रहा है 11,335.88 करोड़ रुपए। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 4.86% की। ग्राम्य विकास यानी कि गांव के विकास में, तो पिछली बार ये 25,131.88 करोड़ रुपए और 2020-21 में 24,828 करोड़ रुपए। कितना मतलब इसमें कमी रही है, याद रखिए ग्राम के विकास में कमी रखी गई है, -1.21% की। ठीक है, ऊर्जा की बात करें तो 16,047.61 करोड़ रुपए 2019-20 के बजट में रहा था, और 21-22 के बजट की बात करूं तो ये 12, इसमें देखेंगे आप लोग 12,258.52 करोड़ रुपए रहा, -23.61% की कमी देखी गई है। समझ रहे हैं आप लोग, यानी कि पिछली बार जितना बजट दिया गया था ऊर्जा के क्षेत्र में इतना इस बार नहीं दिया गया। परिवहन की बात करें अगर हमसे, तो इसमें आप 5,096.24 करोड़ रुपए ये पिछली बार की है, और अभी कितना 8,930.20 करोड़ रुपए 75.23% की बढ़ोतरी देखी गई है सबसे ज्यादा। ठीक है, परिवहन के क्षेत्र में वर्ष 2020-21 में राजकोषीय घाटा आपका कितना रहा है? 53,195.46 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। कब? 2020-21 की बात कर रहा हूं। जो सकल राजस्व राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का 2.97% है। कितना? 2.97%, यानी कि राज्य की जीडीपी का। 2018-19 के वास्तविक आंकड़ों के अनुसार शुद्ध राजकोषीय घाटा 35,203.11 करोड़ रुपए है, जो सकल राजस्व राज्य घरेलू उत्पाद का 2.38% है। ये 18-19 की बात है। ठीक है, कर राजस्व का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात 2020-21 के बजट में 17.8% अनुमानित है, और जबकि वर्ष 2018-19 के वास्तविक आंकड़ों की बात करें तो 17.4% था, और 2019-20 के संशोधित अनुमानों की बात करें तो 15.9% है। ठीक है, अगर 2020-21 के दौरान राज्य के कुल अनुमानित संसाधनों में राज्य का स्वयं का कर राजस्व 33%, राज्य का करेत्तर राजस्व 6.2%, केंद्रीय करों में राज्यांश 30.4% और केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली सहायता अनुदान 14.4% है। ठीक है, ये 2020-21 के बजट की बात है। इस प्रकार कुल संसाधन में राजस्व प्राप्तियों का अंश 84% है, शेष 16% में आपका 13.1% लोक ऋण और लोक लेखा शुद्ध 1.7%, ऋण एवं अग्रिम की वसूली 0.4%, समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 0.8% है। ठीक है, 2019-20 के बजट अनुमान में राजकोषीय घाटा ये कितना रहा था राज्य की जीडीपी का? ये आप देखेंगे 2.97%। पुनरीक्षित अनुमानों में इसका लगभग इसी प्रकार इसी स्तर 2.98% रहने का अनुमान है, जो राज्य को अनुमन ये आपका 3.0% की सीमा के अंदर है। अब बात करें वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा, जो राज्य का जीडीपी होती है उसमें आपका 2.97% अनुमानित है। ये राजकोषीय घाटा की बात कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखिए। देखिए आपसे उसी में प्रतिशत में पूछा जाता है अधिकतर बार, 2.97%। वर्ष 2020-21-22 से 2023-24 तक इसे 3% की सीमा के अंदर रहने का अनुमान है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा, बस 3% की सीमा के अंदर रहने का अनुमान है एक तरह से। फरवरी 2019 में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट के सफल आयोजन के साथ साथ किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से द मिलियन फार्मर्स स्कूल कार्यक्रम आयोजित किया गया, तथा अंतरराष्ट्रीय धान संस्थान फिलीपींस की पहली शाखा वाराणसी में स्थापित हुई है। तो ये भी याद रखना कि अंतरराष्ट्रीय धान संस्थान फिलीपींस की पहली शाखा किस शहर में स्थापित की गई? ये आपकी वाराणसी में की गई है। ठीक है, सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था, जो वर्ष 2018-19 के बजट में औद्योगिक विकास को विशेष स्थान दिया गया था। ठीक है, और 2019-20 में महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से समाज में उनके प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाए जाने के लक्ष्य को प्रधानता प्रदान किया गया। एक तरह से कहिए कि इन्हें ध्यान में रखते हुए इस बजट को तैयार किया गया, 2017-18 का किसानों को, 2018-19 का औद्योगिक विकास को, और 2019-20 का महिलाओं को देखते हुए, और 2020-21
के लिए विस्तृत बजट प्रदेश के युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार के साथ साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत अवसर और स्थापना सुविधाएं और त्वरित न्याय उपलब्ध कराए जाने की प्रति समर्पित है, ये पूछा जा सकता है आपसे इनसे। ठीक है, तो एक तरह से इनको ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक, कब 2024 तक 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनाने का महत्वाकांक्षी रखा गया है। इसे संभव बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को कम से कम 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो योगी जी भी अपना लक्ष्य रख रहे हैं, समझ रहे हैं। सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप मातृ मृत्यु दर में सबसे ज्यादा 30% गिरावट लाने के लिए उत्तर प्रदेश को भारत सरकार की तरफ से MMR अवार्ड से भी पुरस्कृत किया गया है। यानी कि आप समझ रहे हैं 30% की गिरावट देखी गई है। अंतरराष्ट्रीय कृषि कुंभ के सफल आयोजन के साथ ही उत्तर प्रदेश किसानों को दे अनुदान का भुगतान DBT के माध्यम से करने तथा मंडी अधिनियम के में संशोधन करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया गया। योजना के परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर आया है, इसमें भी याद रखिए। स्वच्छ भारत मिशन यानी कि ग्रामीण के अंतर्गत 2.61 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय निर्माण के साथ प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखिए, जो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है इसके मामले में भी पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा है, और शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो शौचालय निर्माण की बात की गई थी इसमें भी उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर रहा है। मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य, ठीक है। प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण राज्य में बाघों की संख्या 2014 में 117 थी और 2018 में 173 हो गई है। अभी आपने देखा होगा 2018 में जनगणना हुई थी बाघों की, तो 2967 टोटल भारत में 2967 रहे हैं, जिनमें MP में सबसे ज्यादा 526, आप जानते हैं मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं आप लोग, ठीक है। उत्तर प्रदेश की याद रखिए 2014 में 117 थी और वर्ष 2018 में 173। राज्य आय के संशोधित अनुमान के अनुसार प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018-19 में संशोधित अग्रिम अनुमान में 64,330 रुपये आकलित की गई है। ये साल भर की बात की जाती है, ठीक है, तो आप समझिए कोई अच्छी स्थिति नहीं है। विभागों का बजट आवंटन की बात करें तो ये विभाग हो गए, धनराशि होगी। प्राथमिक शिक्षा ये आप देखिए 55,064.55 करोड़ रुपये। ऊर्जा विभाग की बात करें तो 33,754.48 करोड़ रुपये। पुलिस की बात करें तो 27,286.69 करोड़ रुपये। ग्राम विकास 20,316.33 करोड़ रुपये। पंचायती राज की बात करें तो 18,660.88 करोड़ रुपये। नगर विकास विभाग की बात करें तो 18,211.4 करोड़ रुपये। खाद्य एवं रसद विभाग की बात करें तो 16,377.25 करोड़ रुपये। माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो 12,988.91 करोड़ रुपये। महिला एवं बाल विकास की बात करें तो 9,690.99 करोड़ रुपये। भारी एवं मध्यम उद्योग की बात करें तो 7,476.99 करोड़ रुपये। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण की बात करें तो 6,460.22 करोड़ रुपये। कृषि की बात करें तो 6,176.27 करोड़ रुपये। न्याय विभाग की बात करें तो 5,368.71 करोड़ रुपये। उच्च शिक्षा की बात करें तो 3,651.67 करोड़ रुपये। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय विभाग की बात करें हम लोग तो 3,159.27 करोड़ रुपये। ठीक है, ये क्या है, बजट में हिस्सा रहा है इन क्षेत्रों का, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2020-21 के दौरान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाले संसाधनों की संरचना और व्यय की बात करें, रुपया आता है और रुपया जाता है। आप भी जानते हैं कि आपके पास पैसा आता है और जाता है, तो कहां जा रहा है, कहां आ रहा है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये सभी आप देखेंगे अज्ञम है, यानी कि कहने का मतलब आने वाले समय के लिए है। इसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा हिस्सा देखेंगे आप लोग किसका, केंद्रीय करों में राज्यांश 30.4%। केंद्रीय करों में राज्यों का, राज्य का हिस्सा है उत्तर प्रदेश का। इससे ज्यादा अगर हम बात करें तो स्वयं का
राजस्व 33.0%। तो पहले नंबर पर आप कह दीजिए कि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आय कहां से हुई है, स्वयं जो कर राजस्व यानी कर इकट्ठा करते हैं 33% के करीब। और दूसरे नंबर पर जो केंद्रीय करों में इसका हिस्सा रहा है 30.4%। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि फिर तीसरे नंबर पर, तो तीसरे पर केंद्र सरकार से सहायता अनुदान 14.4% प्राप्त हुआ है। अभी उनकी केंद्र में सरकार भी है इसलिए कुछ ज्यादा ही एक तरह से मदद करते हैं। लोक ऋण में 13.1%। फिर आप देखेंगे कि करेत्तर राजस्व में 6.2%, और फिर लोक लेखा शुद्ध 1.7%, और फिर देखेंगे समस्त लेन देन का शुद्ध परिणाम 0.8%, ऋण और अग्रिम की वसूली 0.4%। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको मिलेगा स्वयं जो कर इकट्ठा करते हैं उसी का 33.0%। दूसरे नंबर पर आपका केंद्रीय करों में राज्यांश राज्य का हिस्सा 30.4%। ये पूछ सकता है पहले नंबर पर कौन है। ठीक है, अब खर्च कहाँ होता है, आ गया पैसा तो खर्च कहाँ, तो इसमें देखेंगे आप लोग कि सबसे ज्यादा आप कहाँ खर्च करते हैं, अन्य राजस्व व्यय का पर कितना 18.0%। दूसरे नंबर पर आप चलेंगे तो पूंजीगत परिव्यय में 16.1%। फिर आप देखेंगे कि फिर चलेंगे वेतन और सरकारी कर्मचारियों के वेतन जो होते हैं ये 13.9% खर्च किया जाता है उनके वेतन देने में। फिर पेंशन की बात करेंगे तो 12.3% पेंशन दी जाती है, आप समझ रहे हैं पेंशन में खर्च किया जाता है। उसमें देखेंगे आप लोग वेतन और सहायता प्राप्त संस्थाओं की बात करें तो 10.9% खर्च किया जाता है। सहायता अनुदानों की बात करें सब्सिडी की तो 9.1% खर्च किया जाता है, 9.5% खर्च किया जाता है। उसमें आप देखेंगे ऋणों पर प्रतिदान की बात करें तो 5.0%, और ब्याज की बात करें तो 7.6%, सब्सिडी की बात करें तो 3.3%, स्थानीय निकायों को समनुदेशन 3.1%, और ऋण एवं अग्रिम 0.3%। तो इसमें सबसे ज्यादा आपको याद रखना है अन्य राजस्व व्यय 18.0%, और दूसरे नंबर पर भी आप याद रख सकते हैं कि वेतन सरकारी कर्मचारियों के देने में खर्च होता है। पूंजीगत परिव्यय माफ करिए, दूसरे नंबर पर पूंजीगत परिव्यय में और तीसरा वेतन सरकारी कर्मचारियों के, ये तीन टॉप याद रखिए, पूछ लेगा इनसे थोड़ा, वैसे तो सब पर नजर डाल लीजिएगा। एक बात और आपको बताऊं कि आप लोगों ने अभी तक, अभी तो पेपर ठीक है पास में, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो उन्हें जाकर पढ़ लें, क्योंकि इनमें जो भी शब्द यूज किए जा रहे हैं वहीं से आप सोचिए कि आपका बेस बनाने के लिए एक तरह से आपसे कहा जाता है एनसीईआरटी पढ़िए 2 से 4 बार, मैं तो कहता हूँ जितना ही बार आपको टाइम मिले। अब आप सोचिए आपको अगर राजस्व के बारे में पता नहीं है, पूंजीगत परिव्यय के बारे में मालूम नहीं है, पूंजीगत मतलब आप सोचिए इनके बारे में, बजट के बारे में मालूम नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप उस स्थिति में नहीं पहुंचेगा। मुझे तो लगता है कि यूपीपीसीएस में आपको पेपर भी नहीं देना चाहिए अगर आपकी स्थिति इस तरह की नहीं है, आप बिना पढ़े लिखे दे रहे हैं पेपर, मुझे लगता है। तो ऐसा ध्यान से पढ़ लीजिए, और एनसीईआरटी मेन है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2019-20 की, बजट 2020-21 के लिए था, उसे हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, एनसीईआरटी आप सभी की कवर करवा दी गई है पूरी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन 1000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। भारत की जीडीपी में 8.8% के योगदान के साथ महाराष्ट्र व तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। अगर आपसे पूछे कि भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश किस नंबर पर योगदान देता है, तो तीसरे पर, पहले पर महाराष्ट्र, दूसरे पर तमिलनाडु। राज्य की राजस्व आय में राज्य के कर एवं करेत्तर राजस्व का अंश वर्ष 2018-19 में 42.9% था, अर्थात राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति में लगभग 57.1% अंश केंद्र सरकार से अंतरण के माध्यम से प्राप्त होता है राज्य को। राजकोषीय घाटे की बात करें तो ये जीडीपी का, राज्य की जो जीडीपी रहती है, से प्रतिशत वर्ष 2014-15 में 3.40% था, जो 2017-18 में घटकर 2.0% के स्तर पर आ गया, और 2018-19 में यह 2.97% रहा। तो 2018-19 का विशेषता याद रखिए, राजकोषीय घाटा 2018-19 में कितना रहा, 2.97%। वित्तीय वर्ष 2018-19 के पुनरीक्षित अनुमानों के अनुसार राज्य के स्वयं कर राजस्व में जीएसटी की
हिस्सेदारी लगभग 40% है, जबकि वेट का अंश लगभग 18% है। राज्य का उत्पाद शुल्क का अंश बढ़कर 19% हो गया तथा स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क का अंश लगभग 14% हो गया। प्रदेश में वर्ष 2014-15 में कुल बोया गया क्षेत्रफल 26,147 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2015-16 में 0.21% की बढ़कर 26,203 लाख हेक्टेयर हो गया कृषि को, ठीक है। और प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्धता 746 दशमलव ये आपकी 64 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन है, जो खाद्यान्न आवश्यकता 539.00 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन से अधिक है। प्रदेश में वर्ष 2014-15 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 165.98 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2015-16 में 0.78% घटकर 164.69 लाख हेक्टेयर हो गया है, ठीक है, कमी आई हुई। उत्तर प्रदेश में पशुधन संख्या कुक्कुट को छोड़कर के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है, जो देश की कुल पशुधन का 13.4% है। कृषि क्षेत्र में पशुधन का सकल मूल्य वर्धन 26% है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध भी होता है, तो पशु सबसे ज्यादा यहीं देखने को मिलेंगे। आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल के पश्चात मत्स्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है। किस नंबर का है? तीसरे पर। पहला बार कौन है आपका? आंध्र प्रदेश। दूसरे पर पश्चिम बंगाल, उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश आपका, ठीक है। पशुधन संख्या में उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान द्वितीय स्थान 11.3% के साथ, आंध्र प्रदेश तृतीय स्थान पर 10.9%, मध्य प्रदेश को चतुर्थ स्थान मिला हुआ है 7.17% स्थान, जबकि पशुधन व कुक्कुट को मिलाकर सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में 17.52% है। तो पशुधन में कुक्कुट को छोड़कर अगर आपसे पूछे तो उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर, अगर आप पशुधन व कुक्कुट को मिलाकर अगर पूछे आपसे तो आंध्र प्रदेश पहले नंबर पर, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है, यानी कि भारत में अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक दूध कहाँ उत्पादन होता है तो आपका उत्तर प्रदेश, यूपी। तो भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश है, यानी कि भारत में भी सबसे ज्यादा दूध उत्पादन हमारे भारत में होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे वर्ष 2017-18 में देश में सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। कहने का मतलब है कि पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश, गुजरात, ठीक है, पांचवे पर। अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 2017-18 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन देशों की बात करें तो भारत, उसके बाद यूएसए, पाकिस्तान, चीन, ब्राजील। तो भारत पहले नंबर पर, यूएसए दूसरे पर, पाकिस्तान तीसरे, चीन चौथे, ब्राजील पांचवे पर। पिछले भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान वर्ष 2011-12 में 45.5% था, जो 18-19 में बढ़कर 47.2% हो गया है। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में 7.6% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में 31 मार्च 2018 तक राष्ट्रीय मार्गों की कुल लंबाई 10,981 किलोमीटर थी, जो 18-19 में बढ़कर 11,384 किलोमीटर हो गई। ये बढ़ती रहती है, देख ये आप ही जानते हैं कि बदलते रहते हैं, सड़क बन रही है। 18-19 में उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन हेतु कुल अधिष्ठापित क्षमता 5,999 मेगावाट रही, जो 18-19 में उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन ये आप देखेंगे 3,06,269 लाख किलोवाट घंटा और विद्युत उपभोग ये आपका 8,79,455 लाख किलोवाट घंटा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में 15 से 59 आयु वर्ग की जनसंख्या 1,114.42 लाख थी, जो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 55.77% है। यानी कि आप कह सकते हैं कि युवा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी है, अगर इसका फायदा उठा लिया सरकार ने तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। वैसे भी भारत की आप जानते हैं, भारत भी युवा मामले में पहले नंबर पर, सबसे ज्यादा हमारे देश में ही युवा है, लेकिन इसका फायदा उठाएं तब इसका फायदा रहता है। तो चलिए अभी तक हम लोग आपका केंद्रीय बजट भी देख चुके हैं, आर्थिक समीक्षा, उत्तर प्रदेश का बजट और आर्थिक समीक्षा। अब बात करेंगे आगे हम लोग प्रमुख जो नीतिगत दस्तावेज जो घटनाक्रम है इसे भी देखेंगे 2019-20 के, ठीक है, दोनों के समसमय की घटना चक्र वार्षिक का पहला टॉपिक है।